नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, शिक्षा विभाग ट्रांसफर पर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, आप काफ़ी समय से मांग भी कर रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो दोस्तों हमने आपकी मांग के लिए हमने सोचा कि आपके लिए हम मुहिम चलाएंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षक अध्यापकों की ट्रांसफर पॉलिसी जो कि पिछली साल आई थी, वैसी की वैसी पॉलिसी इस साल भी आना चाहिए। तो दोस्तों आप इस मुहिम से जुड़ें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में B1 ट्रांसफर जरूर लिखें। तो दोस्तों, जय श्री कियावत आयुक्त मैडम हैं लोक शिक्षण सचिवालय की, उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी बनाने पर क्या कहा है, हम पूरी उनका बयान भी जानेंगे, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, तबादला नहीं होने से 35,000 शिक्षक हो रहे हैं परेशान। सरकारी स्कूलों के 35,000 शिक्षक मनचाही जगह पर तबादला के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं इस साल COVID-19 के कारण स्थानांतरण की संभावना कम दिख रही है। स्कूल शिक्षा विभाग अभी स्थानांतरण नीति का प्रारूप तैयार करने में जुटे हुए हैं। प्रारूप को शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। शासन से अनुमति के बाद तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 35,000 शिक्षकों का पिछले साल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तबादला हुआ था। इसमें 70,000 शिक्षकों ने मनचाही जगह पर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए, लेकिन सिर्फ इनमें से 35,000 शिक्षकों का तबादला हुआ। अब भी 35,000 शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मनचाही जगह पर जिन शिक्षकों का तबादला हुआ था, उनमें से कई शिक्षकों को पदस्थापना नहीं मिली है। विभाग का कहना है कि जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए अब जान लेते हैं जयश्री कियावत मैडम का बयान। आयुक्त जयश्री कियावत लोक शिक्षण सचिवालय ने कहा है कि विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति की तैयारी की जा रही है। प्रारूप तैयार होने पर शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जबकि ऐसा उन्होंने 10 दिन पहले भी कहा था और वही की वही बात अब फिर उन्होंने कही है। तो दोस्तों, जैसे ही ट्रांसफर की लेटेस्ट अपडेट जानकारी आएगी, आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, इसलिए आप सबसे पहले तो जुड़ें और इस मुहिम से जुड़ें और नीचे कमेंट बॉक्स में B1 ट्रांसफर जरूर लिखें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।